ग्रामीण उत्थान समिति कपकोट द्वारा एक बार फिर जौलकांडे व बेड़ा मजेरा के 58 परिवारों को राशन वितरित किया गया। उत्थान समिति के अध्यक्ष उमेश जोशी ने स्वयं जौलकांडे जाके वहां के लोगों को राशन वितरित किया। साथ ही पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी, नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद बिष्ट, जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता विनोद भट्ट आदि लोग भी वहाँ उपस्थित थे। सभी लोगों ने ग्रामीण उत्थान समिति के संस्थापक और सचिव उमेश जोशी का आभार प्रकट किया। आज रोज की तरह पिछले पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से लगातार ग्रामीण उत्थान समिति के नेतृत्व में, उनके तत्वाधान में पूरे कपकोट क्षेत्र ही नहीं, पूरे बागेश्वर जनपद में जगह जगह जहां पर कोरोना से संक्रमित और जो गरीब परिवार जिनकी आजीविका पे कहीं ना कहीं कोई फर्क पड़ा है, तो ग्रामीण उत्थान समिति के संचालक और सब समिति के सचिव आदरणीय उमेश जोशी जी के नेतृत्व में, उनके पुत्र आदरणीय नीलकमल जोशी जी के नेतृत्व में, सहित तमाम हमारे इस सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे नगर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष, कपकोट के पूर्व विधायक सहित तमाम राजनीतिक दलों के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे क्षेत्र में हम लोगों ने तकरीबन 500 से ऊपर लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया है। और निश्चित तौर पर इस कार्य को भी हम लगातार अंजाम देते रहेंगे और भविष्य में जब तक ये कोरोना काल है, जब तक ग्रामीण उत्थान समिति की मदद से, ग्रामीण उत्थान समिति ने जो लोग चयनित किए हैं उन तक मदद पहुंचाने का काम हम लोगों के द्वारा निश्चित तौर पर किया जा रहा है। और भविष्य में भी आम आदमी जनमानस तक का जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित लोग हैं, जिन लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी है, तो उन तक हम लोग ये मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये प्रोसेस लगातार हमारी जो है आने वाले समय में भी लगातार निरंतर चालू। CCN न्यूज़ के लिए रोहिणी जोशी की रिपोर्ट।